पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और ओलावृष्टि की काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है किसानों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में। तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे में भी कई जिलों में फिर से जो है मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। लगभग 22 जिलों में दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जैसे कि आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। अगले 24-48 घंटे में ये कई तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे पहले आपको सतर्क सावधानी बरते, इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको कहाँ पर जो है सतर्क रहने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश के आसमान को बादलों ने ठीक उसी प्रकार से घेर रखा है जैसे कि रूस की सेना ने यूक्रेन को घेर रखा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से मौसम जो है मौसम की मार किसानों को झेलना पड़ रही है। अचानक हुए मौसम के बदलाव के लिए कोई तैयार नहीं था। मंगलवार से बारिश शुरू हो गई है, हजारों किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। इस सिलसिला जो कि अभी जारी है, और अगर बात करें मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जो है ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, बात करें मुरैना, भिंड, श्योपुर, सीहोर, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, धार और देवास, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, निवाणी जिलों में आंधी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सिलसिला जो भारत मौसम विज्ञान का कहना है कि शनिवार यानी कि 12 मार्च तक ऐसा ही बना रहेगा। इससे काफ़ी नुकसान जो अगले 24-48 घंटे में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अलर्ट ये जारी कर देगा, तो अपनी फसल को सुरक्षित स्थानों पर जरूर रखें। मौसम केंद्र भोपाल का भी कहना है कि इन जिलों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और चलने के साथ साथ बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। नागरिकों से भी अपील यह है कि कृपया सावधान बनी रहे। वही बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत विज्ञान का कहना है कि 12 मार्च 2022 तक यहां स्थिति रह सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट 9 मार्च 2022 की सुबह बनाई गई थी, तब तक पिछले 24 घंटे में इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन के संभाग के कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई है। समाचार लिखे जाने तक यही खबर है कि मंदसौर में जो भारी ओलावृष्टि के कारण हजारों किसान बर्बाद हो चुके हैं। वही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गेहूं की खड़ी फसल खेत में चादर की तरह बिछ गई। तो ये तबाही का मंजर पिछले 24-48 घंटे में देखने को मिला, जैसे कि आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये मंदसौर के ही काकीनेड़ा की जो की तस्वीर है, जो कि मैंने आपको कल भी उपलब्ध कराई थी। तो ये था 24 घंटे का मौसम का ताजा अपडेट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।